मुख्य कैंसर के बारे में थोड़ा बता सके, इसके लिए अवेयर कर सके सभी को और इससे जागरूक कर सके। आज 4 फरवरी 2024 को हमेशा हमारा विश्व स्तरीय कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर क्या होता है, आप सबको पता होगा कैंसर क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, किस वजह से होता है, इसको कैसे हमें रोका जाए और कैसे हम इसको रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कैंसर किस मतलब किस कारण से होता है कैंसर। आप सबको पता है मुंह के नीचे यहाँ पे ना मतलब वाइट वाइट से पेचेस हो जाते हैं, जैसे मतलब जैसे छाले टाइप हो सकता है हमारा। हम नॉर्मल सोचते हैं चलो ठीक है कुछ नहीं है, बट ना वो कैंसर रूप ले लेते हैं। अगर 14 दिन से ज़्यादा अगर वो छाले हो रहे हैं मुँह में और वो ठीक नहीं हो रहे तो उसको कैंसर का रूप दिया जा सकता है। तो उसको हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह से दिखाना चाहिए पास में जाके। तो अगर नहीं दिखा पाते हम सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा, नहीं, वो कैंसर के रूप में बदल सकता है ना। उसको रोकने के लिए हमें क्या इसके कारण से किस किस कारण से कैंसर होता है, टोबे को यूज़ करने से होता है, खैनी खाने से होता है, सिगरेट बीड़ी और एल्कोहल लेने से ज़्यादातर मुँह का कैंसर पाया जाता है। ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर इक्वल में कैंसर पाया जाता है मुँह का। इसको ठीक करने के लिए हमें क्या होता है, सबसे पहले हमें ना पास के कोई क्लिनिक पे जाके उनको बताना चाहिए भाई हमारे उसके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं हमेशा मुंह में दर्द रहता है, हमें 4 फिंगर अगर अंदर डालते हैं वो ओपन नहीं होता पूरा अच्छे तरीके से, खुल नहीं पाता है, ऐसे करते तो भी नहीं होता है। हमें सामने शीशे के पास में जाके देखना चाहिए अगर मुँह में छाले हो रहे तो भाई कैसे मतलब ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा है, या दर्द हो रहा है, या फिर मुंह से खून आ रहा है, ये सारे कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इससे बचाव के लिए हमें हमेशा डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उनको टाइम से टाइम दिखाना चाहिए और हमेशा बताना चाहिए। और इसके उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए, टोबे को हमेशा छोड़ना चाहिए, टोबे को यूज़ नहीं करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए और खैनी वगैरह नहीं खाना चाहिए, वो हमेशा कैंसर का रूप धारण करते हैं। और साथ में इसके उपचार के लिए तीन चीज़ होती है। पहला होता है सर्जिकल प्रोसेस होता है, वो ऑपरेशन के द्वारा कैंसर को ठीक किया जाता है। आप सब देखते हो आपके पेशेंट्स हैं यहाँ पे, उनको कितना दुख और कितना तकलीफ सहना पड़ता है, इससे बचाव के लिए हमें पहले ही उसको ट्रीट करना सबसे बेस्ट उपाय माना जाता है। दूसरा होता है कैंसर का रोग पहले हमें कीमोथेरेपी के द्वारा ठीक किया जाता है, उसमें कीमो की ड्रग्स दिए जाती है उससे हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं। तीसरा होता है रेडिएशन मतलब सेका लगाया जाता है, ब्रेकीथेरेपी उसको बोलते हैं, इसी वजह से हम सारा कैंसर को ठीक कर सकते हैं। इसलिए टाइम से टाइम डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए भाई मुंह में ये क्या हो रहा है, 14-15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, फिर भी आप दिखाने नहीं जा रहे हो तो वो आपकी लापरवाही कैंसर का रूप ले सकती है। जो 4 फरवरी 2024 को जो कैंसर दिवस मनाया जाता है उसकी जो मेन थीम है वो है क्लोज द केयर गैप। हमें किसी कैंसर पेशेंट के साथ में ये नहीं भाई हमें छूने से कैंसर हो रहा है, नहीं, छूने से कैंसर कभी नहीं होता है। आप उसके पास जाओ, उनको बताओ भाई कैंसर है ना छूने से नहीं होता है, आप उनको सपोर्ट करो, हाँ ये ठीक हो सकता है और हमेशा ठीक भी होता है वो चीज़। हमें इसलिए जल्दी से जल्दी कैंसर के बारे में बताना चाहिए। और बाकी परमेश्वर सिस्टर वो आपको अच्छे से एक बार बताएंगे। सत श्री अकाल सारिआं नूं, अज मैं तुहानूं मूँह दे कैंसर बारे दसदी हां वी की हुंदा है। मूँह दे कैंसर दे विच कैंसर सैल अपने सारिआं दे विच प्रेजेंट हुंदे ने। कैंसर दा की है मतलब जिहड़े सैल हुंदे नेगे मतलब अपने ऑक्सीजन नहीं उहनां तक पहुंच सकदी तां उह ना मतलब अपनी ग्रोथ बनाउण लग जांदे नेगे, जिवें डीऑक्सीजनेटेड जिहनां दे विच ऑक्सीजन नहीं हुंदी, ठीक है, उह ग्रोथ होण लग जांदी, उहदे नाल ही कैंसर होणा शुरू हो जांदा है। इहदे विच की हुंदा मतलब इह चिट्टे रंग दे या लाल रंग दे छाले हो जाते हैं, जिहड़े छाले 3 महीनों तो लैके मेडिसिन लै रहे हैं नहीं ठीक हो रहे, ठीक है, वो छाले कितना के होंगे, जिम्मे अपनी कली होंगी है ना जर्दे की कली हो गया या अपनी जोड़ा चूना लग्या होंगे जो आप उंगल के नाल देखते हैं उतार के वो चंगी तरह उतरते ही नहीं है, ठीक है, तो वह अपने कैंसर का रूप धारण कर लेंगे वो छाले। वो की होंगे मतलब एक लाल रंग के होंगे है मतलब लाल रंग की स्किन हो जाती है, इदा सारे लाल रंग के हो जाते हैं छाले, ठीक है। तो ज क्यों होंगे ने कि जिम्मे अपने कोई एक तिखा दंद होंगे जोड़ा अपना तिखा दंद होंगे जिम्मे सूआ दंद भी कहते हैं वह ना जख्म कर लग जाए, जो वह बार बार लगन लग जाता तो इतने मुँह के जख्म हो जाता है, वह जख्म अगे कैंसर का रूप धारण कर लेंगे, तो जल्दी जल्दी उन्हों का इलाज करवाना चाहिए। तो उस तो बाद मुँह नहीं प्रोपर खुलता जिमें इन्होंने दसिया भी मुँह के जिम्मे आप एक या दो उंगल नहीं निकी पैदा ने गियाँ, जिमें आप मुँह खोलते हैं नॉर्मली अपनी 4 उंगल पै जाती है नेगियाँ, खाना खाने से दिक्कत आने लग जाती है, तो जो ये दिक्कत सारिया शुरू हो जाए तो आपको आके ट्रीटमेंट लै लेना चाहिए है हॉस्पिटल के। आप
ਡਰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਓਰਲ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਰੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਤੰਬਾਕੂ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਰਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬੀੜੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਗੇ ਸਫਰ ਕਰੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਈਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੇਵਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਮਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿੱਟਾ ਨਮਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀਭ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਉੱਤਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਜੀਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਓਰਲ ਹਾਈਜੀਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਫਟਰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਕੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ दूसरी गंढ होंगी मतलब एक शरीर तो फैल जाती है मेटास्टेटिक कहते हैं वो गंढ अलग अलग तरह की जांच करवानी चाहिए जो इन्हों का मतलब ट्रीटमेंट वगैरह करवाने ना प्रोपर इन्हों की इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए गल है सर्जरी करते हैं टेस्ट करवा के हाँ